हे गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। देख पा रहे हैं कि आज हम लेके आए हैं गोला एवं अर्धगोला। तो देखते रहिए और सीखते रहिए, रोज सीखना है, कुछ न कुछ रोज सिखा रहे हैं, ठीक है। तो गोला हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले गोला और अर्धगोला। तो गोला हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो फुटबॉल का आकार देखिए हो गया, फुटबॉल देखो फुटबॉल कैसा होता है, एकदम गोला की तरह होता है कि नहीं, जिसका एकदम तो यहाँ से होता है। देखो ये या बहुत सारा तुम देखे हो, बहुत सारा चीज देखे हो, फुटबॉल तो जरूर देखे हो, वही सबसे मानो सबसे बेस्ट होता है। या गुल्ली देखो, गुल्ली हाँ वो भी होता है। तो इसमें एक त्रिज्या होती है, सब त्रिज्या जानवे कर तो कि बराबर बराबर होता है, ये तो सब जानती हो, ठीक है। तो कभी भी याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या की बात होगा। तो पहला क्या होगा, गोला का सबसे पहला क्या होगा जी, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कि नहीं। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो याद रखना 4πr², ठीक है। और गोला का संपूर्ण पृष्ठ भी, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल को, जहां सुनो एगो बात, जहां संपूर्ण नहीं बोले, जहां संपूर्ण नहीं बोले और जहां वक्र नहीं बोले, संपूर्ण समझना है, ठीक है, संपूर्ण ही समझना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। और जब बोल दे तो इसका मतलब वहां लिखा रहेगा वक्र या पार्श्व लिखल रहेगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका दोनों का जो दोनों चीज होता है वो सेम होता है, 4πr². और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पता ही है, तीसरा नंबर गोला का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, गोला का आयतन। और गोला का आयतन क्या होगा, 4π³ और खोखला गोला जब रहेगा, चौथा नंबर खोखला, जब इस तरह से नहीं बोले थे, ये मोटाई जब इधर रहेगा, खोखला टाइप का रहेगा, तो ये त्रिज्या बढ़ जाएगा, ये वाला बड़कार जो बोलते थे, है कि नहीं। तो खोखला गोला जब बोलेगा तो दिमाग में रखना, खोखला गोला का आयतन, ये भी दिमाग में रखना, खोखला गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 तो होगा ही होगा, पाई और बड़कार क्यू माइनस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार एकदम याद कर लोगे, उम्मीद करते हैं कर ही लोगे, है कि नहीं। ये गोला हो गया, उसी प्रकार अर्ध गोला देखो कैसे बनता है। देखो गोला को काट दो, बीचो बीच काट दो एकदम, ठीक है, बीचो बीच काट दो बाबू, एकदम अर्ध गोला बन जाएगा। जैसे देखते हो क्या बोलते हैं उसको, तबला ने कौन सी कहते हैं, तबले कहते हैं ना, तबला जो बजाते हैं वो एकदम अर्ध गोला होता है, एकदम सेम उस तरह कट जाएगा ना। तो यहां से जो होता है ये केंद्र होता है इसका, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो आर कहलाता है। तो पहला हो जाएगा नंबर वन अर्ध गोला का क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ। तो अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे होगा अर्ध गोला का संपूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला उससे भी ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है, अर्ध गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा यानी संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। तो तुम्हारा देखो इतना तो कर्व तो हो ही गया, लेकिन ई वाला भी तुम्हारा ई वाला जो है ना टांग अड़ा रहा है, ये टांग अड़ाने के कारण क्या हो जाएगा, पायर स्क्वायर और जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3πr². और एक चौथा जो कि इंपॉर्टेंट है, अर्ध गोला का आयतन। तो अर्ध गोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो अर्ध गोला का आयतन जाएगा 2/3πr³। तो एकदम लिखते जाना है, और इसके लिए हम एक अलग से एक फॉर्मूला वाला हम क्या बोले कि एक बना दिए हैं वीडियो, वो भी जाकर के देख सकते हो। और प्लस हम लोग इधर तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ हम लोग अलग से वीडियो भी बना देते हैं। और कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस में हम डाले हैं, अनुच्छेद वाला जितना इंपॉर्टेंट है सब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हम डाल दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट खाली एकदम खतरनाक। और राष्ट्रपति भी डाल दिए कि राष्ट्रपति किसको नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति का उम्र हम पहले ही ला दिए थे, और उसके बाद सब खाली लगातार वीडियो उसको देख लोगे ना, कुछ कहीं कर पढ़ने ज्यादा जरूरत नहीं होगा, हम धीरे धीरे करके जितना होगा सारा डाल देंगे एक दिन। तो अभी इधर मैथ का मेहनत पूरा करके रखो और रीजनिंग का, और बाकी उधर जीके टीके हम जो बना रहे हैं उसको भी देखते चलो। और कुछ दिन के बाद वीडियो बनाएंगे इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश भी जबरदस्त कर देंगे, तो पहले खुद का करने दो, उसके बाद फिर तुम लोग का भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया, उम्मीद करते हैं ये अब हो गया। तो पहला हम लोग सवाल पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एकदम पहले फॉर्मूला एकदम रट लेना। तो कल तुम लोग को बोले थे फॉर्मूला रट लेने के लिए, रट के आए हो क्या तुम लोग, घर और गनाव का कर लिए हो, चलो ठीक है, तो अभी पूछ लेंगे लास्ट में, कभी कभी पूछ लेंगे बीच बीच में। तो सबसे पहला हम लोग नंबर वन 61 नंबर लेते हैं, सबसे पहले गोला का पहला क्वेश्चन यही है। अब बेलन को फिर बाद में पढ़ना है, हम देख रहे थे कल किताब में कि बेलन हम लोग पढ़े ना, बेलन को फिर पढ़ेंगे डीपली और वही बोल रहे थे कि इतना इजी सवाल कैसे खत्म हो गया। तो गोला में बेलन में और भी इम्पोर्टेंट सवाल अभी छुटा हुआ जो टफ है, ठीक है। तो गोला बोला दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल, याद रखना दो बात, एक चीज बताना भूल गए, जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा,
ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, हमेशा याद रखना, अनुपात जो होगा वो होगा आर वन बाय आर टू का होल स्क्वायर, याद रखना। और आयतन का अनुपात याद रखना, आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ज्यादातर पूछ देता है, आर वन बटे आर टू का होल क्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एकदम एक्सैक्ट नंबर इसी से बनेगा। तो बोल रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे दिया, यानी आर वन बटे आर टू, एक्सैक्ट नंबर बना रहे हैं, आर वन बटे आर टू का होल स्क्वायर कितना दे दिया प्यारे बच्चों, कितना, चार बटे नौ दे दिया। तो हमारे आर वन बाय आर टू निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, निकल सकता है, कितना, टू बाय थ्री ना। हमको आयतन का अनुपात निकालना है ना, आयतन का तो खाली क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, आर वन बटे आर टू का होल क्यूब, यही ना आयतन का अनुपात होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बराबर कितना होगा, दो बटे तीन का होल क्यूब। तो दो का क्यूब कितना होगा आठ, तीन का क्यूब कितना होगा सत्ताईस, दिस इज द आंसर, है कि नहीं। आसानी से हम लोग बना पाएंगे, खाली एक बार दिमाग लगाओगे सब बनता चला जाएगा एकदम, तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाना है एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात जल्दी बता दो, डरने का कोई बात नहीं, फिर बोल रहा है कोई डरने का बात नहीं, हम तुम लोग के साथ एकदम है एकदम। तो बस अच्छा से खाली करते रहना, कहीं से किसी से डरना नहीं है, लड़ने सीखना है और सही तरीके से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डरपोक तो बिल्कुल नहीं रहना किसी भी चीज में। तो अब बात करते हैं बासठ नंबर में, बासठ नंबर हम लोग बात करते हैं, इकसठ नंबर उतार लिए क्या तुम लोग, बासठ नंबर हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं, एक इधर बताएंगे उधर बताएंगे। तो बासठ नंबर में यदि एक समान त्रिज्या वाला, बढ़िया बात, एक गोला भी है और बेलन का आयतन एक समान है, तो बेलन का त्रिज्या, तो बेलन का आयतन क्या है जी, पहले क्या बोला, गोला, गोला का आयतन क्या होता है, चार बटे तीन पाए आर आर क्यूब, और बेलन का क्या होता है पाए आर स्क्वायर, चूंकि त्रिज्या तो सेम है इसलिए आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा एच, पाए पाए कैंसिल, आर क्यूब से आर, ये आर स्क्वायर खत्म, मतलब ये वाला खत्म, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसको एच बाय आर पहले कर लेते हैं, तो चार बटे तीन बराबर क्या हो गया एच बाय आर हुआ कि नहीं, लेकिन हमको त्रिज्या उच्चारण कर बोला ना, त्रिज्या पहले, तो त्रिज्या चाहिए, तो आर बाय एच चाहिए हमको, तो जाएगा थ्री बाय फोर, दिस इज द आंसर, क्या आसान है कि नहीं एकदम, कुछ है एकदम, तो एच बाय आर निकल गया तो आर बाय एच भी निकल जाएगा, उल्टा खाली कर देंगे। आगे बढ़ सकते हैं ना, बासठ नंबर हम लोग तिरसठ नंबर चल जाएंगे आराम से। तिरसठ नंबर में क्या बोल रहा है, तिरसठ नंबर में बोल रहा है कि किसी ठोस लंबवृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ वही होता है ना, बताना सही सही, तो ये हो गया तिरसठ, टू पाए आर और एच प्लस आर, क्या बोला, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है किसी ठोस गोले के, गोला का क्या होता है अभी बताए, फोर पाए आर स्क्वायर, इसका कितना है, दुगुना। तो बोलते यदि उन दोनों के त्रिज्या समान, समान ले लिए हैं, दिक्कत नहीं है, तो उस बेलन तथा गोले के आयतनों का अनुपात, अच्छा पहले एच आर आर का रेशियो आ जाएगा तब अपने हो जाएगा क्या, तो पाए से पाए कैंसिल, आर से एगो ई आर कैंसिल, टू से ई टू कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, एच प्लस आर इधर बच गया, उधर फोर आर बच गया, है कि नहीं, तो हमारा उधर ले गए तो एच बाय आर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इधर ले गए कितना होगा, थ्री आर हो गया, तो यहाँ पे थ्री आर था तो थ्री बचा, थ्री टू वन हो गया, कोई दिक्कत। तो पूछा था किसका किसका, पहले किसका पूछ बोला, पहले बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है जी, बेलन का था पाय आर के जगह हो जाएगा वन का स्क्वायर, यानी वन इंटू वन, और एच के जगह थ्री, और इसका क्या होता है गोला का, चार बटे तीन पाए आर क्यू वही वन गुने तो ये पाए पाए क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर ये पलट गया तीन तिया नौ, अनुपात कितना हो गया चार, दिस इज द आंसर, है कि नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़ते चलो एकदम फटाफट। आप लोग जो भी वीडियो देखें ईमानदारी पूर्वक देखें, रेगुलर बढ़े, अपडेट रहें, और रेगुलर देखें, हम हर तरह का वीडियो आप लोग के लिए बना ही रहे हैं, हम बना देंगे आप लोग के लिए, टेंशन नहीं लीजिए, आरएस अग्रवाल का भी इम्पोर्टेंट सारा बता देंगे, किरण का भी सब इम्पोर्टेंट बता देंगे, बस हमारे चैनल विक्रम ट्यूटोरियल को, चैनल को फॉलो कीजिए, और अच्छा वीडियो लगे तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक, जो पढ़ना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनको जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर तो कोई नहीं करता है, ये बहुत ही गलत ज्यादा बात है, क्या बोला, तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम हिम्मत रखें, हमारे अंदर में इतना है अभी तक,
64 नंबर में हम देख रहे हैं, 64 नंबर में क्या बोल रहा है, एक गोला है अर्ध गोला, तो गोला का आयतन क्या होता है जी, 4/3 पाई आर आर क्यूब, कुछ कुछ क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला त्रिज्या का, तो अलग अलग त्रिज्या लेना होगा ना जी, पाई आर की ये हो गया, और अर्ध गोला का क्या होता है 2/3 पाई आर टू का क्यूब, अलग अलग ले लिया क्या, ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया, अच्छा लगा, तीन तीन क्या हो गया कैंसिल हो गया, अच्छा लगा, टू से टू कैंसिल हो गया, अच्छा लगा, तो आर वन बाय आर टू पहले कितना का क्यूब इधर हो गया बराबर, इधर कितना बचा वन, इधर चला गया टू, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमको रेशियो चाहिए, तो क्या हो जाएगा वन, वन का क्यूब रूट करेंगे तो वही हो जाएगा, लेकिन क्यूब रूट टू हो जाएगा, दिस इज द आंसर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है एकदम, ठीक है टेंशन मत लो, एकदम फ्री रहो, एकदम सब ठीक हो जाएगा, एकदम कंटिन्यू पढ़ाई पे फोकस करो, सब ठीक हो जाएगा, एकदम अच्छा बनोगे, एकदम याद रखो, एकदम लगातार कंटिन्यू मेहनत करो, देखो अपना अपना मेथड और नया नया क्वेश्चन भी बनाने सीखो, अगर एक बार बता दिए तो नया भी दिमाग लगाओ, क्योंकि सब सीख चुके हो, सीखते चले जाओ, ठीक है, रेगुलर सेट बनाओ, सेट को बनाना ही बनाना है, जैसे खाना इंपॉर्टेंट है, पीना इंपॉर्टेंट है, नहाना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन लेना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, त्रिज्या का अनुपात पूछा तो क्यूब कैसे होगा सर, जरा ये बता दीजिए, क्या बोला, त्रिज्या का जब अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात तो क्यूब आपका है केस, इसको हटाओगे ना, ऊपर चला गया, सो आर वन बाय आर टू का क्यूब आया, ठीक है, उधर बचा 1/2, इसको उधर ले जाओगे तो नहीं पता है, इधर नहीं पता है कि हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा ये, और 1/2 हो जाएगा, तो 1 तो निकल जाएगा बेचारा है, किसी से भी निकल जाता, अच्छा 4 रे 5 रे कुछ रे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो बेचारा ना फंस गया बेचारा, ठीक है, तो ये सब नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा ये तो छोटी छोटी बात में भी तुम कभी राजू फंस जाते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसीलिए तुम पिछड़ भी जाते हो कभी कभी, राहुल में ये है, वो अपना रखा है, जितना भी रखा भले वो टॉप हो या ना हो, लेकिन ये तो बरकरार रखा, बाकी लोग भी मेहनत करें एकदम गलत सलत जितना भी हो पहले अटेम्प्ट रखें, जितना गलतियां होगी उतना ही सही भी एक दिन होगा, जब गलत ही नहीं हो एक मिनट, जब आप उसके अंदर घुसेंगे तो कैसी, कहते ना समुद्र के अंदर घुसने पलते मोती का वेट कर रहे हैं तो नहीं होगा, आप खुद जाइएगा उसके अंदर घुसेंगे तब ना निकलेगा, किसी का भी निकालने का वेट करते हो क्या, कोई निकाल के थोड़े ना दे पाएगा, पैसा थोड़े ना कोई खरीद के तुमको दे देगा, बताओ अपना खुद बनाना पड़ता है, उतना मुकाम खुद बनाना पड़ता है, बेड के लगना रहना पड़ता, दो बात कोई बोल दिया सहना पड़ता है, तो उसके लिए ये नहीं पढ़ो जो जैसे दो सर काम कर लो, हाँ तो बात सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं गार्जियन बोल भी करेंगे, गार्जियन है तो बोलेंगे नहीं जी, हाँ थोड़ा सा सुन लोगे तो क्या हो जाएगा, हम तो बोलते हैं सुन लोगे तो क्या, लेकिन एक तरीका होता है, रात में थोड़े काम करने बोलते हैं, रात में पढ़ो ना, दिन भर तो तुम्हारा काम इधर है उधर, सबको यही बोलते हैं, जिस प्रकार से तुम घर में काम करते हो, जिस प्रकार से तुम घर में काम करते हो वही काम करना, दुमा कहां से आ रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई गई, ठीक है बढ़िया बात है, तो सबका आयतन क्या होगा, पिघलाकर जहां बोले थे ना जी, जहां पिघलाकर बोल दे आयतन सेम हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा 4/3 होगा कि नहीं, पाई और आर क्यू आर के जगह चूंकि व्यास है 3 तो त्रिज्या कितना होगा 1.5, तो सीधे 3/2 कर देते हैं ना, 3/2 और गुने 3/2 कोई दिक्कत एक तरफ हो गया, दूसरे तरफ जानते हैं कि जब होता है तो एक होगा 4/3 सीख दे रहे पहले, पाई आर वन का क्यूब होगा 4/3, पाई आर टू का क्यूब होगा और 4/3 पाई आर थ्री का क्यूब होगा, ठीक, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे और हो जाएगा आर वन का क्यूब प्लस आर टू का क्यूब और प्लस आर थ्री का क्यूब, तो बस बैठा दिए 4/3 कट जाएगा बेचारा, कटेगा ना, तो हो जाएगा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, 3×3 लिख दो पूरा 27/8 बराबर हो जाएगा, आर वन कितना दे दिया, पहला त्रिज्या कितना दिया, पहला वो दे दिया व्यास की त्रिज्या, त्रिज्या ने व्यास दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.5 का टू, 1.5/2 का क्यूब प्लस दूसरा कितना दे दिया, दो तो 1 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस तीसरा का निकालना है, व्यास निकालना है, पहले त्रिज्या पहले निकालेंगे तब ना, तो सॉल्व करेंगे और क्या कर सकते हैं, है? इसको खत्म कर दो, यहाँ पे 20 कर दो, 5 या 15, 5 का 20,
तो 27/8 हो गया इधर, और इधर 3 और 4 बचा, तो 3 क्यूब कितना होता है 27, और ये कितना हो गया 64 ना। अब प्लस 1, अब प्लस किधर हो जाएगा कौन सी आर क्यूब। चलते रहो चलते रहो, क्या करोगे इसको सब इधर ले आओ, आर क्यूब बराबर क्या हो गया 27/8 माइनस 27/64 और प्लस माइनस 1 ना जी। तो 8 और 64 का एलसीएम कितना होता है 64, तो ये हो जाएगा कितना 27/8 कितना होता है 27/8 कितना, अरे बोल दो तू नहीं जानते हो, 27/8 कितना 216 पक्का माइनस 64, तो 27 से हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 216 में ये 64 27 कितना होता है 4, 11, 6, 12, अरे 4, 7, 11 91 होगा, हाँ 91, 216 में 91/64 कितना हो गया, कितना बचा 216 में 91 गया कितना बचा 11 में 125 बचा, 125 बचा है ना 155, हाँ सही है सही है सही है। अरे क्यूब उसमें यस, 125/64 ये कौन सी निकला आर क्यूब, तो आर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 5/4 निकलेगा, व्यास निकालना है तो 2r कर देंगे साथ ही साथ, तो हो जाएगा 5/5 कितना हो जाएगा 8 ना, कितना 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 मतलब हो गया कितना, अरे 2 से गुना कर दिया दोनों तरफ, क्या तुम लोग समझ तो समझ में आया, 5/4 और 2 से गुना किए दोनों तरफ 2 से गुना किए तो ये व्यास तो बन गया, तो 5/2 हो गया, 2/2 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर ठीक है। कितना पापड़ बेलना पड़ा देखे, देखते हो खाली तुम देखो खाली तुम क्वेश्चन नंबर कितना छोटा लिखा और देखो कितना भयानक बना, तो गुना भाग जितना स्पीड में कर सकते हो, कहीं गुना भाग थोड़ा तरीका गलत लगा हमको लगता है मेरा, तो थोड़ा सा गुना भाग तरीका तुम बदल लेना तब जल्दी सॉल्व हो पाएगा ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी 66 नंबर पहुंच सकते हैं आराम से, जब बताते रहे ना तो उसमें देखना और उतारते वक्त उतारना स्पीड में ठीक है, ये नहीं कि समझ में समझते वक्त हम उतारते जा रहे हैं उतारते जा रहे हैं, और दोनों तक अगर उतना तुम्हारा बुद्धि ठीक है उतारते चलो समझते चलो, बहुत लोग हम लोग क्या करते थे उतारते चलते थे, मास्टर का भी खत्म हमारा भी लिखना खत्म ठीक है, तो दोनों काम कर सकते हो इस तरह से। 66 नंबर में क्या बोल रहा है, एक ठोस अर्ध गोलक, क्या बोला जी एक अर्ध गोलक आयतन, आयतन बराबर क्या होता है अर्ध गोलक का 2/3 और पाई का मान कितना 22/7 और आर क्यूब होता है बराबर कितना दे दिया 19,404। तो कुछ कटेगा क्या, कटेगा क्या 11 से कटा कटेगा ये सर 1, 4, 5, 9 ठीक कट जाएगा, तो 11 का हम नियम जो जानबे करते हो 11 2 22 11 1 11 8 हो गया 11 77 77 और 3 4 7 11 6 66 11 6 44 ठीक है, 4 से ही कट जाएगा तो 4 से कट जाएगा तो 4 चौका 16 41 है कि नहीं, तो हो जाएगा तुम्हारा आर क्यूब बराबर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 7 × 3 और फिर 7 × 3 इसको लिखो इसको 21 × 21 और ये 3 × 7 इधर जाएगा, तो हमारा आर निकल जाएगा कितना 7 इधर से देखो मतलब इधर 7 उधर से और इधर 3 कितना निकल जाएगा 21 निकल जाएगा, और निकालना क्या है आयतन, क्या निकालना है क्षेत्रफल ना जी, तो क्या निकालना कौन पी क्षेत्रफल कुल पी क्षेत्रफल, तो हम लोग तुरंत लगा देंगे 3πr² तो लिखते चलता तो बढ़िया होता 3×22/7 और 21×21 यू गुनमा करवाएगा, गुना सबसे पिछले केस का क्यूब बोले थे रट लो ज्यादा बेहतर होगा, बोले थे 1 से 20 तक लिख दिया था लिख लाए थे सबको दिए थे होमवर्क शायद कर ली था, देखो तो सबका कॉपी राज लाया था आज नहीं लाया है, हेलमेट रेस लेके चलना होता है पहले हम लोग भूल जाते हैं लेकिन चलना होता है, पढ़ाई में भी रोज लेके चलना होता है कि की लगना है, तो क्या होगा अकेश का स्क्वायर तो जानते हो कम से कम, तो 3×22×441 3×9 हो जाएगा ना 9×22×441 22 नंबर कितना होता है
22 नंबर 198 तो 198 गुने 441 कर दो और 8 वाला ऑप्शन क्या हुआ देख लेंगे अगर अगर है सब तो 8 वाला क्या हुआ ऑप्शन में हरी तो गुणा करते रहना क्षेत्रफल मिला तो r स्क्वायर 3 बार किस कर दिया हैं अरे 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 तुम लोग बोला क्या नहीं थी वही तो हम 441 तुम लोग क्या बोल रहा था हम कटार से देखेंगे कि ये गोभी से चला हैं 2/3 पाई r स्क्वायर है ना जी तो 7 दिया कितना हो गया अकेश तो 3 × 22 × 3 × 21 यही बचा क्या बचा तो इधर 22 दिया 66 और अकेश दिया 06 गुना कर लो कि इसका नियम जानते हो 60 + 6 = 60 + 3 गुना भाग का नियम जानते हो क्या एक दिन सिखाना होगा लगता हम भी बोल जाएंगे तो गुना करने का सब नियम है तुरंत तुरंत बना पाते ठीक है भास्कर मैथमेटिक्स वाला मैं बताया है उसको अति में गुना करने का नियम 60 + से सब नियम बताया है देख सकते हो अगर यूट्यूब में देखना चाहते हो तो चलो 66 हो गया 67 पे हम लोग फोकस करते हैं 67 में क्या बोला कि गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या ठीक है गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन पृष्ठफल और आयतन बराबर है तो गोला का पृष्ठफल क्या होता है जी 4π² होता है ना और गोला का आयतन क्या होता है 4/3π² बढ़िया तो स्क्वायर ना होता है स्क्वायर होगा तो ये वाला खत्म पाई पाई चार पाई खत्म तो आर का मान कितना हो गया 3 की पूछा आर अरे 3 निकल गया त्रिज्या तक पहुंचना था ठीक है बहुत इजी कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी से बता दो जल्दी से कोई परेशानी जल्दी खत्म करो 67 हो गया आर सेट तुम लोग बना लेना ठीक है कि बना पाओगे कि नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है अभी बना के दिखा दो ना तुरंत बनाइए लो थोड़ा सा अपनों से बनाओ बन पाएगा क्या आंसर हो इतना लेट करो कैसे काम चलेगा कितना तो वही लगाना फिर से 4/3 बताए थे ना 4/3 और पाई और बड़का क्यों लगा सकते हो अगर बोलो तो बराबर हो जाएगा वही 4/3 और पाई और छोटका आर 1 क्यू प्लस आर 2 का क्यू और प्लस आर जितना रहेगा उतना खाली जोड़ देना तो 4/3 पर ये सब खत्म ही हो जाता है बार बार ठीक है एक बार दिमाग में सेट कर लो कि आर क्यू बराबर इतना इतना होता है तो बड़का आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा खाली गुना करते चलो जाओ एक का क्यूब कितना होता है जी एक बार लिख लो अच्छा एक का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और प्लस 8 का क्यूब तो जाएगा 1 + 216 और प्लस 512 ठीक है 729 आई भी करेगा ये सब नियम है तो आर कितना हो जाएगा 9 का क्यूब 729 की पूछा था त्रिज्या पूछा था बस आंसर हो गया 67 तो बड़ी सिंपल था 67 भी सिंपल था और ये 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चलो अरे SSC तो इम्पोर्टेंट है ही 69 नंबर पे 69 नंबर में क्या बोला प्यारे बच्चों ए बना लेना क्योंकि सब क्या हम ही बता देंगे क्या तो 69 नंबर तुम्हारा क्या रह गया होमवर्क रह गया तो होमवर्क का कमेंट अभी तो कोई नहीं करता है जी हाँ होमवर्क का कमेंट कोई नहीं करता है हाँ कमेंट करके बता दो यही इसका आंसर होगा बना के देख लेना और देख लेना क्या मिनट में वीडियो में है थोड़ा सा स्पीड लगा ना प्लेबैक स्पीड और हम स्पीड में बोलते हैं देखे एक खाली डेढ़ बार कर दीजिए ना डेढ़ गुना सुनने मजा ऐसे ऐसे जाएंगे तो 69 हो गया आपका 69 होमवर्क रह गया 70 में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों 70 में बोल रहा है कि एक गोलक
और अर्धगोला के आयतन समान है, ये भी लगता बना पाओगे, बना लेते हैं कि बनाता है। 70 नंबर में क्या बोल रहा है देखो, तो बोल रहा है कि गोलक और अर्धगोलक का आयतन समान है, तो बना दो ना क्या, 4/3 और अलग अलग त्रिज्या है, त्रिज्या समान तो बोला नहीं, तो अलग अलग ना होगा, 4/3 पाई आर 1 क्यू, और गोला का क्या होता है 2/3 पाई आर 2 का क्यू, तो 4 3 3 गया मामा घर, पाई पाई गया भी मामा घर, 2 2 गया भी मामा घर, क्या तो आर 1 बाय आर 2 अभी जो निकाले थे, नहीं निकाले थे 1/3 ये वाला निकाले थे ना अभी, ये निकाले थे। आगे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, तो बोल रहा पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात मतलब होता है आर 1 बाय आर 2 का होल स्क्वायर, यही ना सूत्र में अभी पढ़े थे, तो 1/3√2 का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा, बेचारा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन लेकिन ये क्या हो जाएगा 2, और ऊपर में क्या हो जाएगा बताओ, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, भगवान देखो इधर यहाँ पे x पर पावर पहले से 1/3 है, ठीक है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट का मतलब ये होता है, अच्छा। और ये 2 हो गया, तो गुना खाली कर दोगे तो x पर पावर क्या होगा 2/3 गुना इस तरह से, वही चीज की है, यहाँ पे है 2/1/3 और इधर आ गया 2, तो इधर 2/3 माइनस है, माइनस में ऊपर माइनस, कहाँ माइनस में हो जाएगा, जो होगा सही होगा, क्या माइनस में हो गया, माइनस तुम लोग करनी तरने का गुण अभी तक नहीं जाने, वो लगता है पहले गुण तुम सब बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कितना बी नंबर, ठीक है, तो सही तरीका से पढ़ो, सब तुम लोग करनी तरने नहीं सॉल्व कर पाते तो कैसे काम चलेगा बताओ, हाँ सब बता देते हैं, तो 70 नंबर कंप्लीट, 71 बना लोगे क्योंकि सभी बताते चलेंगे क्या, तो 70 71 भी क्या रह गया तुम लोग का जी, कमेंट करना, एको कमेंट कर दो तो माने, तो 70 71 मतलब जो दिए अभी होमवर्क 69 कमेंट जरूर करके बताना कि क्या आंसर होगा, देखते हैं क्या तुम लोग सही सही बताते हो कि नहीं, आंसर है ऑप्शन आंसर बाद देखने बता देना। तो आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, प्यारे बच्चों 72 नंबर में क्या बोला कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के गोले को, और एक कितना गोली की संख्या बताना दिए बड़का आयतन, बड़ा मजा जब संख्या पूछता बड़ा अच्छा लगता है, बड़का आयतन मतलब बड़का आयतन कौन चाहिए है, देखो 12 सेंटीमीटर है 0.5, अरे बड़का ये होगा तो व्यास हो जाएगा 12, तो छोटका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो गोली का संख्या हो जाएगा बड़का आयतन मतलब 4/3 कट ये जाएगा जी, 4/3 पाई आर क्यूब का मान 6 का क्यूब, बढ़िया बात, इधर भी 4/3 पाई कट ये जाएगा इसे, लेकिन लिख लेते हैं क्या करोगे, और उधर 0.5 अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास मतलब 0.5 का क्यूब, क्लियर, अरे बोलते दो ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म हुआ कि नहीं, 6 का क्यूब कितना, अरे 0.5 का मतलब 1/2 1/2 1/3 तो पलट जाएगा 2×2×2, अरे 0.5 का मतलब 1/2 होता है, 3 बार पलटेगा ऊपर, हाँ 1/2 1/2 का मतलब 2/2 2/2 2/2 तो 8 216×8 कितना होता है, 8 का पढ़ाता है ना, 8 से 48 क्या ऑप्शन में, बार बार देखना पड़ता है यूनिट डिजिट को आता है कि नहीं, दोगो में आया तो 216 लग रहा है कि 216 288 का ही हो सकता है क्या, तो सीधे 1728 का, तो दो इस तरह ना देखिए देखिए कि 216 288 हो सकता है क्या, सवाल ही नहीं उठा, 216×8 करेंगे तो 1728 तुरंत हो गया कि नहीं, गुना करना भी नहीं पड़ा, तो 73 नंबर क्या करें, तुम लोग बनाओगे कि नहीं, अरे कुछ तो अपने बनाओ, सब तो हम ही बता देंगे, फिर पढ़ाई का क्या महत्व रह जाएगा, अरे सब मास्टर बेस पूछ लोगे तो कैसे हो पाएगा, सब तुम लोग सवाल क्या करोगे, सब हमको लगता बना लोगे, 78 नंबर पे सीधे आते हैं, इधर सारा होमवर्क रह गया क्या, सब बना लोगे, बोलो हाँ करो दोनों जगह, 74 में बना लोगे ना, 73 होमवर्क कि हम ही बना दें, 73 होमवर्क 74 होमवर्क 75 दिन लग गया, हाँ 75 भी होमवर्क 76 भी एकदम आराम से होमवर्क, सब होमवर्क है 77 भी होमवर्क 77 होमवर्क 78 एक बना देते हैं पहले, ठीक है, गुड मॉर्निंग, 78 देखते हैं, 78 भी बोलता है हमारे, तो 78 तुम लोग बना के देखो अभी, क्या पंकज बना के आओगे ना, होमवर्क पूरा कर लेना, ए लड़का होमवर्क पूरा कर लेना जी, होमवर्क पूरा कर लीजिएगा निश्चित रूप से, बाबा आज बाबा का नाम एक बार ना लिया,
एक गोले का और एक गोले का सतह क्षेत्रफल देखो ना रे, गोले का सतह क्षेत्रफल एस क्यू लेना है और बटे क्या लेना है, बी क्यू लेना है ना, बी स्क्वायर लेना है। तो एस मतलब क्या होता है जी, एस मतलब होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर पर क्या पावर कितना, तीन। और आयतन क्या होता है, चार बटे तीन पाई आर क्यू का कितना पावर, दो ए पावर। बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो कटेगा क्या ना, एक बार बढ़िया से लिख दो, फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, चार बटे तीन पाई आर क्यूब, चार बटे तीन पाई आर क्यूब, यही ना। छ गो प्लस आर स्क्वायर खत्म, ये खत्म हुआ ना। हाँ, पाई क्या गो, क्या गो है, दो गो, पाई दो खत्म हुआ ना। छ गो हुआ तो नौ गुण हो जाएगा सर, तीन गुण तीन नौ गुण हो जाएगा। तीन गुना छ हो गया, स्क्वायर है तो कितना होगा, चार चार क्या कटेगा, दो को कट जाएगा बेचारा, पाई पाई कटाएगा ना जी, दो को पाई पहले कटा ले तो क्या बचेगा, चार चार दो को कटिए जाएगा ना जी, दो को चार कटाइए देते हैं तो ऊपर में बच गया चार गुने बाईस बटे सात, पाई में आंसर है तो बढ़िया बात है। चार गुने पाई बचा और निचुआ में बचा तीन दिया नौ, पलटिए जाएगा नौ हो जाएगा ना, छत्तीस पाई दिस आंसर। गुना बात सही किया तो अंधा बाबू हमको नहीं बोलना, रात हो जाता है। जल्दी चलो तो पेरो 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 जल्दी पेरो जल्दी पेरो। तो उनासी नंबर भी एगो इस तरह बता चुके हैं है कि नहीं, तीसरा गोला त्रिज्या अभी जस्ट इस तरह का बता चुके हैं, तो इसको भी पेरना तुम लोग का जरूरत है, बापरे होमवर्क है खाली तुम लोग के लिए। तो उनासी नंबर भी तुम लोग से हमको पूरा भरोसा है, एकदम भरोसा है। और जो ऑनलाइन अगर हमारा पूरा वीडियो अगर देखा होगा उसके लिए भी एकदम इम्पोर्टेंट है, वो भी बना लेगा, हमको पूरा भरोसा है, इसलिए तो छोड़ रहे हैं, सब बना देते हैं कि नहीं। तो अस्सी नंबर भी बना लोगे लेकिन फिर भी प्रयास करो अभी तुरंत फिर बना देते हैं। अस्सी नंबर जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी अस्सी नंबर, अस्सी नंबर जल्दी बनाओ जी, अस्सी नंबर जल्दी बताओ, जल्दी से बना दो ना, जल्दी से बना दो ना, जल्दी से बनाओ, लेट ना करना, स्पीड करो, हाथ का स्पीड ना बढ़ा दो, हाथ का स्पीड लगता है लोग बहुत दिन से घट गया है, भूल गया था हम बोलने, भूल गए ना ये लोग बोलने के लिए कि स्पीड बढ़ाओ, स्पीड हाथ का स्पीड एकदम बढ़ना चाहिए ना। क्या हो पाएगा, क्या एकदम हो पाएगा। तो अस्सी नंबर में क्या बोल रहा है, पहले छह सेंटीमीटर व्यास वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो चार बटे तीन हो जाएगा और पाई का मान लिख देंगे, पाई का पाई लिख देते हैं और तीन का क्यूब हो जाएगा ना बराबर, और उसी को आठ गो गोला हम बनाया, तो चार बटे तीन और पाई आर छोटका क्यूब, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, पाई पाई कैंसिल, चार बटे तीन कैंसिल, कोई दिक्कत। आई सत्ताईस क्या हो जाएगा, अभी बटे आठ हो जाएगा बराबर आर क्यूब, तो आर कितना हो जाएगा जी, तीन बटे दो, डेढ़ सेंटीमीटर। क्या पूछा, पूछा अरे त्रिज्या तो पूछा था, हो गया डेढ़, क्या देखते ही आंसर तो हो गया, कोई दिक्कत तो भी नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा, इतना तो तय है, जितना भी क्वेश्चन है वो धारिता के बारे में बता देते हैं, बयासी नंबर वाला, ठीक है, और बाकी वाले चौरासी नंबर भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, बाकी हमको नहीं लगता कहीं दिक्कत है तब, ठीक है। चलो 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 चलो, एक सब बना लोगे, एक अस्सी बना दिए, इक्यासी तुम लोग का होमवर्क बना लोगे, हमको पूरा भरोसा है, इक्यासी बना लोगे, बेरासी तुम लोग को अभी बताते हैं, बेरासी चलो बेरासी ट्राई करो फिर भी, बेरासी बन पाया क्या। तो धारिता का मतलब समझ लो, धारिता का मतलब होता है आंतरिक आयतन, ठीक है, तो आंतरिक आयतन का मतलब धारित्य वाली आयतने हैं, तो धारिता कितना दिया है जी, तो धारिता का अनुपात निकाल लेते हैं तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा अपने आप। तो अर्धगोला का क्या होता है जी, टू बटे थ्री पाई आर वन का क्यूब, क्या टू बटे थ्री, और वैसे आयतन का अनुपात पढ़े है ना जी, उतना पढ़े, तो आर वन बटे आर टू का होल क्यूब दिया हुआ है, कितना दिया है, छ पॉइंट चार और बटे कैसे की थोड़ा बता देते हैं कि हम अभी बताए थे आयतन का अनुपात बराबर, सॉरी त्रिज्या का होल क्यूब का अनुपात जो होता है आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात बैठा दिए,
तो आगे सॉल्व करने में आता है ना, इस आठ कहाँ पढ़ाता है ना, कितना आता है, आठ रटी चौसठ और आठ दुना सोलह, आठ सत्ते यह आएगा। तो क्या त्रिज्या अनुपात पूछ रहा था, तो आर वन बटे आर टू तुमको दिख रहा है, दो अनुपात तीन, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात बता दो जल्दी से, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। बेरासी भी क्लियर हो गया, तेरासी तुम लोग बना लोगे, तेरासी क्या हो जाएगा वो, अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं बना पाएंगे तो बता दो जल्दी से। हमको लगता सब बन जाएगा, ऐसा तुम लोग ट्राई नहीं किया है कभी, ऑप्शन में नहीं। कौन वाला क्या पूछा था तुम सर, टू अनुपात आर1 बटे आर2 का क्यूब है ना, तो आठ भी तो चौसठ भी तो चार का क्यूब हो जाएगा और दूसरा सोलह छह का, कैसे क्या आर1 बटे आर2 नहीं कर देते, चौसठ से कट जाएगी, नहीं सर चौसठ होगा ना क्यूब चार का, हाँ दूसरा सोलह छह का, तो पॉइंट कटाने वाला उतना आता है, आठ क्या लिख दिए वही तो आठ से कटाए हैं क्या, आठ चौसठ आठ दो सोलह सोलह और यहाँ पे पांच आठ से, तो ठीक है तो किए हैं, तो दो बटे तीन होना चाहिए यानी चार अनुपात छह, ऑप्शन ए नहीं है कि आंसर, दो अनुपात तीन जैसा ऑप्शन नहीं है, तो इसको उसका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करो, उसका गुणक में ले लो, तेरासी तेरासी में करें, तेरासी होमवर्क दे दिए, चौरासी पे फोकस करें, चौरासी में बहुत इंपॉर्टेंट है, चौरासी नंबर में कुछ दम नहीं है लेकिन फिर भी खाली मतलब क्या करते हैं मोटाई बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या बोला, चार सेंटर व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया जाता है और दोनों का आयतन बराबर है, तो बढ़िया बात है, तो चार बटे तीन हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कैसे पाई हो जाएगा, व्यास वाला है तो दो बटा हो जाएगा, चार बटे तीन पाई तक पहुंचे, आर पहुंचने तो आर पहुंचेगा तब ना, तो चार बटे तीन पाई आर का मतलब क्या हो जाएगा यानी दो का क्यूब, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फिर उधर हो जाएगा चार बटे तीन और पाई और उसको क्या बोला जी, चार सौ निवास यदि क्या बोला कुछ है? स्वर्ण की मोटाई ज्ञात करना, छोटका त्रिज्या दिया मोटाई ज्ञात निकालना, बड़का आर नहीं पता, तो आर क्यूब माइनस दो का क्यूब, क्लियर। अब ये तो गया मामा घर, ठीक है, इसके मामा घर, मामा घर ढेर दूर है, तो इसका मतलब क्या हो गया आठ और बराबर हो गया बड़का आर क्यूब और माइनस आठ, तो आर क्यूब हो गया कितना सोलह, कितना हो गया सोलह, बढ़िया बात ना, तो आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूब रूट दो गुना दो गुना दो गुना दो होगा ना, ये बेचारा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा ये दो और क्यूब रूट टू निकल जाए, मान दिया और दो गुना क्यूब रूट का मान है एक दशमलव दो पांच नौ, एक दशमलव दो पांच नौ, एक दशमलव एक दशमलव पांच दो पांच दो पांच नौ, कितना गुना करेंगे तो क्या होगा दो नमा अठारह और दो पंचे एक ग्यारह और ग्यारह दो चार एक पांच, पांच और हाथ में कुछ नहीं, दो दो पर इतना निकले आर, इसलिए मोटाई, इसीलिए मोटाई, मोटाई बराबर बड़कार माइनस छोटकार, तो बड़कार कितना हो गया 2.518 माइनस 2 0.518, दिस इज आंसर। तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर चाहोगे तो सब चीज हो पाएगा, कहता ना हमने चाहा नहीं वो मिला नहीं, अगर हम चाहते तो वो मिल जाती, ठीक है, बस यही दिमाग में रखो, इसी के साथ आज का क्लास हुआ समाप्त, आप बाकी उम्मीद करते हैं सभी होमवर्क रहेगा और सभी क्वेश्चन बनेंगे और बहुत जल्दी खत्म कर दिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी को वीडियो लगातार देखते रहें यही बोलना चाहते हैं, और कुछ भी अगर सजेशन हो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन ले आ सके, थैंक यू।